नमस्कार दोस्तों। जिस दौर में लाशों को वेंटिलेटर पर रखकर बिल भुनाने से लेकर डॉक्टर कभी नहीं चूकते, उस दौर में इस देवतुल्य चिकित्सक की कहानी दिल को गदगद कर देती है। दोस्तों, जब तमाम डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़ प्राइवेट प्रैक्टिस से करोड़ों का अस्पताल खोलना फायदेमंद समझते हैं, तब BHU के प्रख्यात डॉक्टर पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर TK लहरी साहब अद्भुत हैं। दोस्तों, आप हैरत में पढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज में 3 दशक की प्रोफेसरी में पढ़ा लिखा कर सैकड़ों डॉक्टर तैयार करने वाले लहरी साहब के पास खुद का 4 पहिया वाहन यानी कार तक नहीं है। दोस्तों, आज जब तमाम डॉक्टर चमक दमक ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, लंबी लंबी महंगी कारों में चलते हैं, चंद कमीशन के लिए दवा कंपनियाँ और पैथोलॉजी सेंटर से साठ घाट करने में ऊर्जा खपाते हैं, नोटों के लिए दौड़ भाग करते हैं, तब प्रोफेसर लहरी साहब आज भी अपने आवास से अस्पताल तक पैदल ही आते जाते हैं। दोस्तों, मरीजों के लिए किसी देवता से कम नहीं है, उनकी बदौलत आज लाखों गरीब मरीजों का दिल धड़क रहा है जो पैसे के अभाव में महंगा इलाज कराने से लाचार थे। गरीब हृदय रोगों का शिकार होकर जब तमाम गरीब मौत के मुंह में समा रहे थे, तब डॉक्टर लहरी ने फरिश्ता बनकर उन्हें बचाया। प्रोफेसर TK लहरी BHU में 2003 में ही रिटायर हो चुके हैं। चाहे तो बाकी साथियों की तरह बनारस या देश के किसी कोने में आलीशान हॉस्पिटल बनाकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, खुद को नौकरी से रिटायर माना चिकित्सीय सेवा से बिल्कुल नहीं। रिटायर होने के बाद 15 साल बाद भी BHU को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी पूरी तरह से मुफ्त। आप यह जानकर सिर झुका लेंगे और सोचेंगे कि चरण मिल जाए लहरी जी के तो थोड़ा सा छू लूं। जब पता चलेगा कि प्रोफेसर लहरी साहब पेंशन से सिर्फ अपने भोजन का पैसा रखते हैं, बाकी BHU को दान दे देते हैं ताकि महामना का यह संस्थान उन पैसों से गरीबों की खिदमत कर सके। इस मान विभूति की गाथा यही नहीं खत्म होती, समय के पाबंद लोगों के लिए भी प्रोफेसर लहरी मिसाल हैं। 75 साल की उम्र में भी वक्त के इतने पाबंद हैं कि उन्हें देखकर BHU के लोग अपनी घड़ी की सुइयां मिलाते हैं। वे हर रोज नियम समय है उसी से BHU आते हैं और जाते हैं। प्रोफेसर लहरी साहब को देखकर BHU का स्टाफ समझ जाता है कि इस वक्त सुई की घड़ियां कहां होनी चाहिए। उनकी अदम्य सेवा भाव और मरीजों के प्रति प्रेम को देखकर BHU ने उन्हें इमेरिटस प्रोफेसर का दर्जा दिया हुआ है। यूं तो इस विभूति को बहुत पहले ही पद्मश्री जैसे सम्मान मिल जाने चाहिए थे, मगर देर से ही सही। पिछले साल पूरी काशी नगरी तब खुशी से झूम उठी जब इस महान विभूति को 26 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। दोस्तों, लाखों मरीजों का दिल धड़काने वाले प्रोफेसर लहरी को मिले सम्मान से पद्मश्री का भी गौरव बढ़ता नजर आता है। और हाँ, लहरी साहब को देखकर सवाल का जवाब भी मिल गया कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है। उम्मीद है कि डॉक्टर लहरी साहब के इन तमाम देवतुल्य कार्य के बारे में जानकर उन तमाम डॉक्टरों का जमीर भी जागेगा जिनके लिए चिकित्सा धर्म से धंधा बन चुका है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि धरती पर बुरे लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तभी दुनिया चल रही है। यही वजह है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जरूरत है हमें अपने बीच ऐसी शख्सियतों को ढूंढकर सम्मान देने की। दोस्तों, वामपंथ दक्षिणपंथ के नाम पर गाली गलौज बेफजूल की बातों से इतर कर कुछ सकारात्मक ऐसा ही सुनते रहिए और लोगों को सुनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।